हेलो स्टूडेंट्स, रियल फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताया था। दो टर्म हमने आपको सिखाया था और इसके बिहाफ पर एक के टर्म पर तो हमने न्यूमेरिकल भी निकाला था। याद कीजिए, पहला अपना टर्म था कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट टाइम इसको हिंदी में हमने समन्वय संख्या बोल दिया था, बट मोस्ट ऑफ द केस में इसको हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसह संयोजन संख्या। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेन जो चीज है वह डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग है कि क्या आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, नंबर एक। दूसरा हमने आपको बताया था पैकिंग इफिशियंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, और यही कहा था हमने आपको कि टोटल जो भी आपका क्यूब है, मोस्टली अपने को क्यूब ही पढ़ना है, इसलिए यूनिट सेल की को हम क्यूबिकल यूनिट सेल के ही बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि किसी भी एक यूनिट सेल के वॉल्यूम का कितना प्रतिशत वॉल्यूम, कितना प्रतिशत वॉल्यूम आपका आपका एटम के थ्रू फुलफिल होता है, क्या कहलाता है आपका पैकिंग इफिशियंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब के कितने परसेंटेज भाग, 50%, 60%, 70% भाग एटम के द्वारा फुलफिल्ड है या फिर ऑक्यूपाइड है, क्या कहलाता है उसका पैकिंग इफिशियंसी कहलाता है। संकुलन क्षमता इसको हिंदी में कहते हैं। और इसी बिहाफ पे हमने आपको एक एट रैंडम क्वेश्चन भी दिया था और निकाला भी था कि ऑन एन एवरेज 50 या 52% के आसपास में आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से आपका पैकिंग एफिशिएंसी आता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सही है। क्यों हमने ये दोनों टर्म्स के बारे में पहले बोला? क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम चल रहा था, और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अपने को इन डेप्थ में बात करना है तीन अलग अलग, जो नाम हमने आपको पहले भी बताया था उसके बारे में। जो पहला आपको पढ़ना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? सही है। यही तीन यूनिट सेल को हमें इन डिटेल जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों के बारे में बात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले वाले यूनिट सेल से, जो कि है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। स्टार्ट कीजिए, जरा कॉपी पेन निकाल लीजिए एंड पैरेलली लिखना भी स्टार्ट करें। क्या है अपना टॉपिक? अपना टॉपिक है कंप्लीट एनालिसिस अबाउट व्हाट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC यूनिट सेल। चाहे तो आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन डिटेल बात करना है इसके बारे में कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या पैकिंग इफिशियंसी होती है, सारी बातें अपने को अगेन यहां पे करना है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए। फिर दूसरे के लिए करेंगे, फिर तीसरे के लिए करेंगे। सही है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम हमने आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम हमने आपको पहले भी दिखाया था और आप अगेन एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि एटम्स कहां प्रेजेंट है। पहले वाले डायग्राम में तो हमने आपको कंप्लीट एटम बना रखा है, मतलब एक कंप्लीट एटम है, कंप्लीट एटम, और वह सबके सब कहां प्रेजेंट है, कोनों पर उपस्थित है, मतलब कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे उपस्थित है। डन। तो जब कभी भी एटम्स आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है क्या कहलाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। सही है, याद है। देखिए जरा, एटम्स केवल और केवल कहां प्रेजेंट है, किसी भी क्यूब के कोने पर, किसी भी घन के कोने पर उपस्थित है। तो ये तो आपका पहला डायग्राम हो गया। अब कटिंग वाले पार्ट की बात करते हैं। कटिंग वाले पार्ट का मतलब क्या, अभी तो ये कंप्लीट एटम किसी भी एक कॉर्नर पर रखा था ना, मतलब एक यूनिट सेल नहीं था ये कंप्लीट। हमने आपको, अगर आप एटम काउंट किए तो टोटल चार ऊपर में और चार नीचे में, आठ एटम आपको दिख रहा हो, बट वह पूरा यूनिट सेल नहीं है, उसका वह एक छोटा भाग एग्जैक्टली, जो कि हमने आपको पहले भी बना के दिखाया था, वह एक केवल और केवल छोटा भाग जिसको रिपीटेडली आप इधर उधर करोगे तो कंप्लीट आपका इंटायर लैटिस खराब हो जाता है, वह केवल और केवल पोर्शन आपका यूनिट सेल कहलाता है। तो यूनिट सेल बेसिकली आपका यह वाला केवल और केवल पोर्शन, जहां पे आप देख रहे होगे कि एज पर ही सेंटर मानते हुए किसी भी एक एटम का कुछ ही पोर्शन जो है वह यूनिट सेल के अंदर में है, कंप्लीट एटम्स आपका यूनिट सेल के अंदर में नहीं है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब कंप्लीट एटम आपका यूनिट सेल के अंदर में नहीं है। आप फटाफट इस डायग्राम को, सबसे पहले दो डायग्राम्स थे, आप एक बार जस्ट बगल में डायग्राम नोट करें कॉर्नर साइड में,
एंड एक पॉइंट भी यहां आप लिख सकते हो, एज हमने पहले भी लिखा था, फिर भी आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहां पे, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द व्हाट, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बहुत आसान सी बात, सही है ना? अच्छा, किसी भी एक क्यूब के अंदर में कॉर्नर कितने होते हैं तो देख के आप अगेन बता सकते हैं कि सर कॉर्नर हो गया ऊपर में चार और नीचे में चार। या फिर आप जिस रूम में बैठे होंगे, अगर आप उस रूम को भी इमेजिन कर रहे होंगे, तो वहां भी आपको रूम का जो रूफ होगा, जो छत होगा, छत के कोने कोने पर देखो तो चार पॉइंट आ रहे हैं। और जिस बेस पर बैठ करके आप पढ़ रहे हो वहां पर भी आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, वहां पर भी आपको चार पॉइंट मिल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही? टोटल कॉर्नर कितने दिखते हैं बच्चों एक पटे एक यूनिट सेल में, एक क्यूबिकल यूनिट सेल में? आठ, सही है। यहां आए जरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जिसके लिए हम आपको अलग अलग टाइप के यहां पर एनिमेशन दिखाएंगे जिसके थ्रू भी क्लियर करेंगे एंड मैथमेटिकली भी हम आपको इस चीज को प्रूव करके बता देंगे। आए जरा सुने कि डाउट क्या है और टॉपिक क्या है इसके अंदर में। अगला अपने को जस्ट पढ़ना होता है, वह पढ़ना होता है आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इसी के अंदर में हम बात कर रहे हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यह कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ट्रिकी टॉपिक है जहां कंप्लीट आपके इमेजिनेशन का काम है। तो कोई बात नहीं, हम आपको अभी जस्ट इमेजिनेशन करवा देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से सुने और देखते भी चले पैदल ही। अभी आप एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस देख रहे होंगे, डन? आपको यहां पर एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस दिख रहा होगा जहां बहुत सारे एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे। अब इन सभी में से आप केवल और केवल सेंटर वाला जो एक एटम है, मतलब अभी जो डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो एक एक सेंटर पर का जो एटम है उसको हमने रिमेन रखा है, बाकी सभी जगह के एटम्स को हमने हटा दिया। ठीक, बड़े आराम आराम से आप इस वीडियो को देखते चलिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी हिसाब से हम आपको एनिमेशन का भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बस थोड़ा फोकस्ड रहिए, एक बार में आपको देखिए कैसे से समझ में आता है। डन, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा कि एटम्स आपके कहां प्रेजेंट है, जस्ट एक कॉर्नर पे, है ना? कॉर्नर पे। अच्छा, उस कॉर्नर से एसोसिएटेड आपको कितने सारे छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे हैं इसके बारे में बताएं। फिर से सुन लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस कॉर्नर पर जहां आपको दिख रहा है, जहां एक एटम आपका प्रेजेंट है, उस कॉर्नर से कितने आपके यूनिट सेल एसोसिएटेड है इसके बारे में आप खुद ही देख करके आप बता सकते हो। देखिए जरा, आपको एनिमेशन में साफ दिख रहा होगा वहां पर एक जो कॉर्नर पर एटम रखा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने ऐसे यूनिट सेल में, कितने यूनिट सेल में दिख रहा है बच्चों? यह टोटल आपको आठ अलग अलग यूनिट सेल में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा, क्योंकि वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा कि कोई भी एक कोना पर जो एटम रखा हुआ है उसका भागीदारी किसी एक यूनिट सेल में ना होकर के आठ अलग अलग यूनिट सेल में उसका प्रेजेंटेशन होता है, मतलब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। क्या ये बात आप उस डायग्राम के थ्रू एक बार में समझ रहे हो? सही है, चलिए। अच्छा, अपना मेन टॉपिक क्या है? अपना मेन तो ये है कि आपको ये निकालना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड व्हाट अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कि मतलब टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल। तो बच्चों अभी जो आपने निकाला है, क्या निकाला है, एक कॉर्नर पर जो रखा हुआ एटम है उसका कितने यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने ये नहीं निकाला कि एक यूनिट सेल में कितने टोटल एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। डन, अभी आपने उल्टा निकाला है, अभी आपने केवल और केवल देखा है कि एक कोने का कितने अलग अलग यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। चाहे आप कोई सा भी कोना उठा लो, जस्ट उसके बगल में फिर उसी तरीके से आप आगे पीछे चारों साइड से लैटिस जनरेट कर दो, तो अगेन आपको क्या पता पड़ेगा कि एक कॉर्नर पर रखा हुआ जो एटम है
उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 8 अलग अलग यूनिट सेल में है, जो कि आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। डन है, यहां तक बढ़े आगे, खड़े काम की बात। तो चलिए जरा, अपना क्वेश्चन तो ये नहीं था, क्वेश्चन तो था कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या निकालो, मतलब दिमाग में क्या आता है कि सर आप एक मेरे को एक बात बस बता दो कि एक कोने की वजह से, क्या एक कोने की वजह से एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? नहीं, फिर से, एक कोने की वजह से मतलब एक कॉर्नर पर जो एटम रखा है उसका, थोड़ी देर पहले तो आपने देखा था ना कि उसके कुछ ही भाग वहां पर आते हैं एक यूनिट सेल में, कुछ ही भाग थे ना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको डायग्राम दिखाया था कि आपने, अभी आप जस्ट देख भी रहोगे कि एक कोने पर जो रखा हुआ एटम है उसका संभव कुछ जो पोर्शन है वही पोर्शन ही आपका केबल और केबल यूनिट सेल के अंदर में आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, बस कुछ पोर्शन आ रहा है। तो वह कितना भाग है अगर हम वह निकालने में एलिजिबल हो जाए, और हमें पता है कि एक क्यूब में टोटल कोना कितना होता है। अब एक क्यूब में टोटल सर कोने 8 होते हैं, एक कोने का पता पड़ गया, गुना कर देना अपने को बस केवल और केवल 8 अलग अलग पॉइंट से, मतलब 8 नंबर ऑफ कोना से क्या पता पड़ जाएगा, जो आपने पॉइंट्स लिखा है कि किसी भी आद्य एकक कोष्ठिका में, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, यह अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, इसके लिए अपने को एक पॉइंट चाहिए, क्या एक पॉइंट चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, ऑफ एटम लिख लो अभी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम बाय वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों, यह बस आपको पता करना है। डन, चलिए अब एक कॉर्नर की वजह से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अब हम वन निकालने के लिए आराम से बैठते हैं। पहले पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, फिर मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू आप 2 सेकंड के अंदर में इस टॉपिक को समझ जाओ। स्टार्ट करें, समझे जरा इसको। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा था, आपने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि एक कॉर्नर पर जो आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो रखा हुआ एटम है उसके 8 अलग अलग यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन है। और एटम बाकी होता कैसा है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, सिमेट्रिकल होता है, सही है ना यहां तक। चलिए अब आप एक काम क्या कर रहे हो, आप एक काम करो कि एक प्लेन से आप ना इसको सबसे पहले कट कर दे रहे हो। कैसे से कट कर दे रहे हो, आप सबसे पहले इसको बीच में से कट कर दे रहे हो, दिख रहा है क्या कट करते हुए का डायग्राम, सही है। अच्छा, कट हो गया अब आपका, कट होने के बाद अब जो बचा हुआ जो डायग्राम है वह देखिए आप। अब देख रहे होगे कि जो बचा हुआ आपका डायग्राम है उस डायग्राम में भी आपका एटम तो चलो भाई ठीक है जस्ट 50% हो गया होगा, आधा हो गया होगा, लेकिन अभी भी जो कॉर्नर पर रखा हुआ एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या एक यूनिट सेल में दिख रहा है, या फिर अभी भी आप अगर काउंट करो तो 4 अलग अलग यूनिट सेल में दिख रहे होंगे, 2 ऊपर वाला और 2 जस्ट कहां दिख रहा होगा, 2 जस्ट नीचे वाला दिख रहा होगा। मतलब अभी भी आपका एक यूनिट सेल के, मतलब एक बार आपने कट करा, चलिए जब अगर आपने एक बार कट करा तो कितना हो जाएगा, एक बार कट करा तो एटम कितना बचा, आधा बचा ना, हाफ, अच्छा हाफ तो बच गया, लेकिन अभी भी आप कहां पहुंचे, अभी भी आप एक यूनिट सेल में नहीं पहुंचे, अभी भी जो आपका बचा हुआ एटम है वह 4 अलग अलग यूनिट सेल में। क्या ये चीजें आपको दिख रही है? डन, आए जरा अब आप एक काम फिर से करें कि आप उसको फर्दर एक बार और कट करो, एक बार क्या कर रहे हो आप, और कट करो, मतलब कंप्लीट एटम आपका एक था, एक से आपने उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि आप एक यूनिट सेल पर नहीं उतरे। अब आप क्या कर रहे हो, उसको फिर से बीच में से कट कर दे रहे हो, तो देखें आपको कट करा हुआ डायग्राम दिख रहा होगा, डन दिख रहा है क्या। चलिए अब जैसे आपने कट करा, अब कट करने के बाद का जो पोर्शन है वह पोर्शन हमने आपके सामने यहां पे प्रेजेंट किया, कट करने के बाद वाला जो पोर्शन है वह पोर्शन हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, बट स्टिल बच्चों यहां पर आपको एक यूनिट सेल नहीं मिल रहा होगा, अभी भी आप देख रहे होंगे तो 2 यूनिट सेल मिल रहा है क्या, 2 यूनिट सेल, एक आगे वाला और एक आपको कैसा सा दिख रहा है, आपको पीछे वाला दिख रहा होगा, मतलब एटम आधा तो था, अब आधे का भी कितना हो चुका है, आधे का भी आपको आधा हो चुका है, पहले हाफ हुआ था एक बारी जब आपने उसको बीच में से कट किया था, एक बारी आपने और कट करा तो आपका और आधा हो गया। डन,
चलिए, लेकिन अगेन डाउट उतना ही है कि सर क्या अभी भी हम किसी एक यूनिट सेल में पहुंचे या अभी अभी भी हम दो अलग अलग यूनिट सेल में? सर अभी भी हम दो अलग अलग यूनिट सेल में। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए उसको फिर से एक बार और कट करेंगे। अब आपका फिर से जो एक बार और कट करेंगे वो वाला डायग्राम आपको आपको हमने एक प्लेन के थ्रू दिखा रखा है कि उसको हम कट कर रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच कट कर रहे हैं, जितना भी बचा हुआ है। डन। पहले एक बचा हुआ था तो एक का आपने क्या कर दिया, एक का आपने आधा कर दिया। अब आपका इतना बचा हुआ था उसका भी आपने क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब आपका इतना बचा हुआ था और जैसे ही आप उसको कट करते हो तो कट करने के बाद अब जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा कतई एक यूनिट सेल दिख रहा होगा और उसी एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर की वजह से, ध्यान से सुने, उसी एक यूनिट सेल में एक कॉर्नर की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा वह कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा और वह कितना आ रहा है आप अगेन उसको कितना करोगे यहां पर मैथमेटिकली हाफ करोगे। अब आप जाकर के अब कहां पहुंच चुके, एक यूनिट सेल में पहुंच चुके हो और आप यहां पर लिख भी सकते हो इस तरीके से। आप देखिए आप इसको मिटा, अभी तो हम यहां पे मिटा दे रहे हैं, यही लिख देते हैं ताकि जब कभी भी आप अपने नोट्स रिवाइज करो तो ये आपको आधा कुछ समझाए, हाफ आपको समझाए कि पहले कंप्लीट था उसका आधा हुआ फिर इसके बाद उसका आधा हुआ और एट द लास्ट फिर से उसका आधा किया एंड जो ये फाइनल पिक्चर आपको दिख रहा है यह आपका कहां पहुंचा ले जा रहा है, आपको एक यूनिट सेल के अंदर में पहुंचा रहा है और एक कॉर्नर की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको दे रहा है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल आप अगर अपने शांत दिमाग से देख रहे होंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सही है, आप बढ़े आगे। चलिए तो आपका यहां से मैथमेटिकली अगर मैं आपको बोलूं, मैथमेटिकली आपको मैं बोलूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, यह आपका निकल करके आ जाएगा 1/8। यह आपका कितना निकल करके आ जाएगा 1/8। डन। तो ये देखिए हमने आपको अभी एनिमेशन दिखाया था इस वजह से ये चीजें आपको हमने एक बार ले गए, लेकिन चलिए हम आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखा देते हैं, फिर से हम आपको एक बार डायग्राम दिखा देते हैं। आप इस बार कंप्लीटली जिनको समझ में आ चुका है अच्छी बात है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है वह एक बार फिर से देखिए, उनको काफी आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। डन। यहां देखिए आपका सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस लिया था सही है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने उन सभी में से बाकी सारे एटम्स को गायब किया था और एक एटम को बीच में रखा था, मतलब रहने दिया था, उसको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है कि एक कोने की वजह से, ध्यान से देखें, एक कोने की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या भागीदारी होती है वो निकालना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स केवल और केवल कहां प्रेजेंट होते हैं, एटम्स केवल और केवल कॉर्नर पर ही तो प्रेजेंट होते हैं, सही है यहां तक? चलिए अब बात आगे बढ़ाएं तो एक जो कॉर्नर पर रखा हुआ एटम है उसका कंप्लीट, आप खुद भी देख सकते हो उसका क्या कंप्लीट इंगेज वह एक ही यूनिट सेल में कर रहा है क्या? मतलब एक कॉर्नर पर जो एटम रखा है क्या वह कंप्लीटली किसी एक ही यूनिट सेल के अंदर में पूरा पाया जा रहा है क्या? या आप देख के कह सकते हो साफ ही बात की नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उसका तो सर अलग अलग, क्योंकि एटम है स्फीयर की तरह है तो कुछ पोर्शन उसका किसी एक यूनिट सेल में है, कुछ भाग उसका किसी दूसरे यूनिट सेल में है। यही नहीं, केवल और केवल एक दो ही अलग अलग में नहीं है, टोटल आपको अगर बीच वाला वह एटम दिख रहा है तो 8 आपको अलग अलग यूनिट सेल में उस एक कॉर्नर पर रखा हुआ जो एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा। फिर से क्या बोल रहे हैं कि एक कॉर्नर पर जो रखा हुआ एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक नहीं 8 अलग अलग यूनिट सेल में है। कितने अलग अलग यूनिट सेल में है? 8 अलग अलग यूनिट सेल में। डन यहां तक ही करीब सही है। तो अपना काम क्या है, अपना काम यह है कि एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब गणित के हिसाब से तो देखो आप एक बार में बोल सकते हो सर एटम सिमेट्रिकल होता है और एक कोना अगर 8 अलग अलग जगह पे इंगेज है तो सीधी सी बात है सर एक में कितना होगा 1/8। यहां तो आप यूनिटरी मेथड एक एक नियम से सीधा कह सकते हो। डायग्रामेटिकली अब आप देखो कि हम सबसे पहले इसको बीच में से कट कर रहे हैं, कट करने के बाद बीच में से क्या कर रहे हैं, हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद रिमेनिंग पोर्शन को हम आपके सामने फिर से यहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रिमेनिंग जो पोर्शन है
उस पोर्शन को हम आपको आपके यहां सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो बचा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है वह आपका, ध्यान से सुने, वह आपका एक यूनिट सेल तो नहीं है, अभी भी चार अलग अलग यूनिट सेल है। कितने अलग अलग यूनिट सेल है? चार अलग अलग यूनिट सेल है। डन। तो आप क्या करोगे, आप इसको फर्दर एक बार और काटोगे, बिल्कुल बीचों बीच आप एक बार और इसको काट रहे। अब जैसे से ही अब आपको इसको बीचों बीच एक बार और कट करोगे तो अब आपको कितना यूनिट सेल मिल रहा है, पहले तो कटा हुआ वाला डायग्राम आप देख रहे होगे, एंड देन अब कटने के बाद अब जो फ्रेश बचा वह देख रहे हो आप, तो वहां आपको कितना दिख रहा है, आपको दो अलग अलग यूनिट सेल दिख रहे हैं जिसमें बचे हुए एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा। डन। तो अभी भी दो है, तो आप इसको क्या करोगे, एक बार और स्लाइस करोगे, एक बार और बीच में से कट करोगे। अगेन आपको कट करते हुए तक का भी हम आपको स्नैपशॉट दिखा रहे हैं, एंड कट होने के बाद फाइनली अब बचा रह गया आपके पास एक यूनिट सेल। ध्यान से देखें, फाइनली अब आपके पास बचा रह गया एक यूनिट सेल, और अब तक के करीब में आप इसको कितनी बार कट किए हो, एक का पहले किए आधा, और उस आधे का भी आपने क्या करा, एक बार और आधा, और उस आधे का भी आपने क्या करा, एक बार और आधा। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकल करके आ जा रहा है, एक कोने की वजह से कितना होगा, 1/8। क्या ये बात दोबारा में सबको समझ में आ गई? सही है, यहां बड़े आगे चलिए। एक कॉन्ट्रीब्यूशन एक एटम की वजह से तो बता दिया, एंड अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे एंड नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉर्नर तो हम सब जानते हैं कितना होता है, 8 होता है ना। तो आप क्या निकालोगे, इसीलिए आपका, इसीलिए इफेक्टिवली आप क्या बोल सकते हो, हेंस इफेक्टिव, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे यहां पे, हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, फिर से हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, आगे देखिए यहां पे एटम प्रेजेंट इनसाइड, प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल, प्रेजेंट इनसाइड अ यूनिट सेल विल इक्वल्स टू हाउ मच, बताएं सर, एक कोना की वजह से 1/8, और टोटल कोने कितने हैं, 8। अरे एक रुपए में पांच चॉकलेट टोटल 8 रुपए में कितने चॉकलेट, 8 को सीधा क्या करते हो, 5 से मल्टीप्लाई, यही करते ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, आप यहां पे 1/8 और इंटू कितना कर दोगे, इंटू कर दोगे 8। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा आपके पास, किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना निकल करके आता है बच्चों, 1 निकल करके आता है। ये बात आप जस्ट डायग्राम के भी थ्रू डायरेक्टली समझ रहे होंगे, सही है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को हम एक और नाम से जानते हैं, आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जेड भी कहते हैं। कौन से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। तो आप कभी भी डायरेक्टली 1 मत याद करो, आप तो याद रखो 1/8 और इंटू 8, 8 तो आपका क्या हो जाएगा, कॉर्नर, और 1/8 क्या होगा, 1/8 क्या होगा, 1 किसी भी कॉर्नर की वजह से होने वाले कॉन्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ पे हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है, सही है यहां तक के करीब में? अब बता दें यहां तक के करीब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने आपको दो बार एनिमेशन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको हमने यहां पे बता दिया, सही है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, जो कटिंग वाला जो आपका यूनिट सेल है वो आपको यूनिट सेल फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपका यह कंप्लीट क्या बन जाता है, आपका बन जाता है यूनिट सेल। डन। बढ़िया, बढ़े, चलिए। ये तो देखो हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाले हैं जो भी यूनिट सेल हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, या तो हमने आपको कंप्लीट थोरो आपको हमने सारी चीजें बता दी। डन। आए जरा यहां तक की कड़ी में नोट करें, इसके जस्ट बाद हम आपके सामने फिर से स्टार्ट करते हैं, बाकी जो और बचे हुए कुछ का टर्म्स है उस पर बात करना स्टार्ट करवाते हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से पहले इसको नोट कीजिए, चलिए नोट हो गया, आए इसको मिटा देते हैं, तो डायरेक्टली आप इसको लिख लें यहां पर ही, बस छोटे से में कर देते हैं, अब हम आपको छोटे से कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ बस केवल और केवल 8 लिख देते हैं, आपका काम हो जाएगा, फिर हम आगे की बात करें। तो मिटा देते हैं, जब आपका फाइनली समरी भी हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो गया, 8। डन। चलिए तीसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन, क्या आता आपके पास, रिलेशन बिटवीन ए एंड अगला क्या आपके पास, आर। सर ये ए क्या है और आर क्या है,
बच्चों ए आपका क्या कहलाएगा? ए आपका होता है किसी भी यूनिट सेल का साइड का लेंथ, भुजा की लंबाई। कहते हो ना कि वॉल्यूम ऑफ अ घन कितना हो जाएगा, आपके पास आयतन कितना होता है घन का, ए क्यूब, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ए। और सर ये आर क्या है? सर आर तो अपना क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ एन एटम। मतलब ए और आर के बीच में क्या रिलेशन है, इसकी बात हम अपने को करनी। डन, बताए जरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में आप कोई भी एक साइड पकड़ो, जरा कोई सा भी आप एक साइड पकड़ो, आपको क्या दिख रहा होगा। इसके लिए हम आपको ना यहाँ पे डायग्राम दिखा भी बना भी देते हैं। यहाँ पे लेट्स से आपका यही तो रहा आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ऐसा ही तो था आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बताए। और इसका सेंटर और आप क्या कर रहे थे, इसका सेंटर आप ज्वाइन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इन दोनों का आप सेंटर ज्वाइन कर रहे थे और एटम्स बिल्कुल टाइटली टच में थे, जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ करता था, उसमें होता था ना। तो आप देखिए जरा कि आपका यह क्या बन जाएगा, यह आपका कोई भी एक भुजा बन जाएगा जो कि आपका क्या कहलाएगा, जो कि आपका कहलाएगा ए, क्या कहलाएगा, ए। डन, चलिए बात करें जरा रेडियस ऑफ एटम का, मतलब एटम के रेडियस की बात करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, आर, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, आर बनेगा। क्या आपको ये रिलेशन काफी आसानी से समझ में आ गया होगा यहीं से ही कि सर अगर हम दोनों को बराबर करें तो ए इक्वल्स टू कितना निकल करके आ जाएगा, सर ए इक्वल्स टू 2R निकल करके आ जाएगा किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका के लिए आपका यह घनीय, मतलब किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नहीं, आधे घनीय एकक कोष्ठिका के लिए आपका क्या आ जाएगा, ए और आर के बीच में ये रिलेशन है। इस रिलेशन का हम यूज करेंगे जब हम संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। जब क्या ये बात समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सी चीज, आप डायग्राम वाइज भी देख सकते हो कि ए और आर आपका कैसा सा दिख रहा होगा, आपको बिल्कुल सटे सटे से दिख रहे होंगे, मतलब केबल और केबल कॉर्नर पर ही तो एटम प्रेजेंट होते हैं, दोनों को मिला दो आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और वही इक्वल्स टू कितना हो जाने वाला आपका, 2R के इक्वल हो जाने वाला। हमने दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसके देखिए कवर कर लिए, आए जरा तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है कायदे से, लेकिन हमें ये टॉपिक आना चाहिए क्योंकि किसी भी समय पर आपसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ देता है। डन, बात कर लेते हैं उसके बारे में भी, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका विजुअलाइजेशन पावर ही बढ़ेगा अगर आप इस टॉपिक को डील करते हो तो। क्या बात करें जरा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो जरा, कि कोई भी एटम, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने जरा, कोई भी एटम जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाने में काम आ रहा है उसको कितने एटम्स फर्दर टच कर रहे हैं, उसको फर्दर कितने एटम्स टच कर रहे होंगे, ये अपना जस्ट इसका अगला टॉपिक है। बताएं, सोचिए जरा कितना निकल करके आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके भी फील कर सकते हो, यानी तो चलो ठीक है, पहली बार है तो हम आपको यहां पे बता ही देते हैं, आप चाहे तो इसको पॉज करके सोच सकते हैं। डन, आए जरा अगेन डायग्रामेटिकली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आपको यहां पर साफ दिख भी रहा होगा कि आपका ये रहा एक यूनिट सेल, मतलब सिंपल क्यूबिक वाला, अब उसमें से एक कॉर्नर पर जो रखा हुआ एटम हमने उसको पकड़ लिया। डन, पकड़ लिया, अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे उस कॉर्नर पर जो एटम रखा हुआ है उस वह ऑब्वियसली, जैसे ये आपका कोई भी एक कॉर्नर, पहले यहीं से देख लो आप, या आपका कोई भी एक एटम कॉर्नर पर रखा, उसको जस्ट कौन टच करता है, अगले कॉर्नर पर रखा हुआ एटम करता है ना, सही है। ऐसे से ही आपको अगर हम बोले, आप इस डायग्राम के थ्रू साफ देख रहे होंगे कि जो भी एक कॉर्नर पर रखा हुआ एटम है उसको 6 एटम टच कर रहे होंगे, कौन से 6 एटम टच कर रहे होंगे, एक जस्ट उस साइड वाला, एक जस्ट इस साइड वाला जो ए डिस्टेंस पर एटम रखा होगा, एक जस्ट आगे वाला, और एक जस्ट आपको कौन सा वाला दिख रहा होगा, एक जस्ट आपको पीछे वाला भी एटम दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए 4 हो गए जो कि आपको टच करेंगे, सेम वही जस्ट इसके एक ऊपर में यहां एटम होगा और एक जस्ट नीचे में कहां एटम होगा, नीचे वाला एटम होगा। इस तरीके से आपके 6 एटम जो होंगे वह टच कर रहे होंगे किसको, किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम आपका रखा होगा, मतलब एटम मोस्टली तो कॉर्नर पे ही रखा होता है, तो कॉर्नर पर रखे हुए एटम को मोस्टली कितने एटम टच करते हैं भैया, 6 एटम टच करते हैं। तो चाहो तो आप जस्ट इसके नीचे निकाल के यू 6 कर लो, या नहीं तो आप जस्ट इसके बगल में लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर में कितना हो जाएगा इसका, 6। और वह 6 कैसे हो रहा है, आप उसको भी चाहो तो बगल में मेंशन कर सकते हो, वह आपका हो जाएगा 2+2+2। क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से ध्यान रखने को, क्योंकि डायरेक्टली 6 करोगे तो आपको रटना पड़ जाएगा,
लेकिन आप दो दो करके ध्यान रखते हो तो ध्यान रहेगा कि एक तो सर देखो इस साइड वाला और एक इधर वाला, एक सर आगे वाला और एक सर पीछे वाला, एक सर इसके ऊपर वाला ए डिस्टेंस पर और एक इसके नीचे वाला। अच्छा सर केवल एक ही डिस्टेंस पर एटम होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, आपके एटम्स और भी फर्दर डिस्टेंस पर होंगे बट वो उसको टच नहीं कर रहे होंगे, होंगे ना। डायगोनली अब बॉडी डायगोनली अपोजिट भी डिस्टेंस पर होगा, फेस डायगोनली अपोजिट डिस्टेंस पर भी एटम होगा, लेकिन वो सब उसको टच नहीं कर रहे होंगे क्योंकि फेस डायगोनल की बात करो या बॉडी डायगोनल की बात करो, इन दोनों का डिस्टेंस ए से ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है? अगली वीडियो में जब हम बॉडी सेंटर को कवर कर रहे होंगे वहां पर हम आपको बता देंगे। तो देखिए हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको Z के बारे में बता दिया, A और R के रिलेशन के बारे में बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता दिया कि कितना होता है और कितनी दूरी पर होता है, वो भी आप चाहें तो बगल में मेंशन कर सकते हैं। आप लिख लें एट डिस्टेंस ए, कितने डिस्टेंस पर होगा भैया? ए डिस्टेंस पर आपका वह रखा हुआ होगा। डन। आए सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इसके पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। सर जी यह पर्टिकुलर आपका एटम का मतलब सॉरी इस पर्टिकुलर टाइप के यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है उसकी बात हम आपको यहां पे करके बताते हैं, सही है ना। पहले बात यहां पे कि कितना इसका पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पीएफ आपका इसका होगा। डन। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को थोड़ा अलग बताया है, पैकिंग एफिशिएंसी को अलग बताया है, बट यार आप सबको एक साथ ही कलेक्ट करके बता सकते हो बड़े आराम से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, जिसलिए ही हम आपको इन सभी को एक साथ ही रख करके इनकाउंटर कर डर, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स भी सारी चीजें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितने भी बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, आप इसी पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछ देगा, नो डाउट। बोर्ड नहीं, आप बोर्ड से आगे वाली भी ये जो जानकारियां हैं यह जानकारियां भी आपको वहां पे पूछा जा सकता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सही है ना। तो चले जरा बात करें पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को तो हम अपने इंटेक्स वाले जो वीडियोस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस होते हैं, उसके थ्रू तो कवर कर ही लेते हैं। डन। आए बात करें जरा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में ही पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा दिया था, क्या होता था कि टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है बाई वॉट बाई आवर एटम। तो आप ऊपर में क्या लिखोगे? ऊपर में लिखोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई All the atoms, volume occupied by all the atoms, पहला। और denominator में क्या हो जाएगा? Total volume of a unit cell, total volume of a unit cell, मतलब किसी भी unit cell क्या कितना total volume होगा, और multiplied by आपको कितना करना है? Multiplied by आपको करना है 100। चलिए, volume occupied by the atoms, अब आप एक बात बताओ, किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने वॉल्यूम होते हैं, मतलब टोटल कितने एटम्स होते हैं? जस्ट आपने निकाला था यहाँ पे कि टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड ए यूनिट सेल, बच्चों यहाँ थोड़ी गड़बड़ी होगी, यहाँ तो वन होगा ना, इस वन को भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पहले लिख दो 1/8 और इनटू कितना लिख दो 8 बराबर में कितना हो जाएगा 1। डन, सही है। चलिए तो टोटल आपका कितना है? एक आपका होता है वॉल्यूम मतलब सॉरी नंबर ऑफ एटम्स, सही है। अच्छा किसी भी एटम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, क्योंकि एटम गोलाकार होता है तो स्फीयर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा बच्चों स्फीयर का? 4/3। अब पाई तो पाई है, पाई मतलब क्या होता है 22/7 भी आप चाहो तो लिख लो इसको, 4/3 पाई, और आगे कितना हो जाएगा आपके पास आर क्यूब, और अपॉन में कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब आप एक क्यूब का वॉल्यूम कितना ही बोलोगे, सब जानते हैं सर कि क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एक क्यूब के बराबर होता है, और इंटू कितना करना है आपने, इंटू कर देना है 100, जाएगा ना। चलिए जरा आगे बात करें जरा सर, अब यहाँ तो आर क्यूब है और यहाँ तो ए क्यूब है, अब क्या करें? समझ में आ रहा होगा फटाक से, ये वाला रिलेशन देखो कैसे काम में आता है ना। तो देखिए जरा ए बराबर आप क्या लिख सकते हो 2r, चाहो तो आप a बराबर 2r से रिप्लेस करो या r बराबर a बाई 2 से रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन, बात तो वही आ जाएगा। तो आप यहां पर जस्ट क्या लिख दोगे बताओ, आप यहां पर लिख दोगे 4/3 और इंटू कितना हो जाएगा 22/7 और इंटू कितना हो जाएगा r क्यूब, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2r का क्या आ जाएगा आपके पास होल क्यूब, और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 100, हो जाएगा क्या? सही है यहां तक। आए जरा आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा 4/3, देखो जगह नहीं है नीचे बाबू तो इसलिए हम ऊपर में कर रहे हैं, और इंटू कितना हो जाएगा
22 बटा 7 और इनटू कितना हो जाएगा आर क्यूब और अपॉन की बात करो तो देखो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बताया था, फिर से हम आपको लिख देते हैं क्योंकि देखिए जल्दी से जल्दी इन चीजों को अगर हम पचा ले तो कोई दिक्कत नहीं। a इंटू बी की पावर अगर m होता है तो वह किसके इक्वल होता है, a की पावर m और इंटू बी की पावर m। इसको आप अपने कॉपी के टॉप पे फिर से मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, प्लीज कॉपी के टॉप पे लिख लें ताकि बार बार इसको बताने की जरूरत ना पड़े, ये तो सबको पता है ना। चलिए तो 2 का करोगे क्यूब तो कितना आ जाएगा, 2 का घन करोगे तो 8 और r का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा r क्यूब और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 100। क्या ये बात समझ में आ सही है ना, ये तो आपको समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1। तो इसीलिए हम उस 1 को तो अभी यहां पे मेंशन ही नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो यहां पे 8 टाइम्स कर सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब डन। चलिए अब आपका आर क्यूब से तो देखो आपका आर क्यूब कट गया, कट गया तो एक तो चीज आप यहां से डायरेक्टली क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अच्छा मतलब कोई भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो वह एक कांस्टेंट संकुलन क्षमता देगा, मतलब उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होने जा रही है, पैकिंग एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कांस्टेंट होने जा रहा है। क्यों, क्योंकि सर सारे डिजिट से तो बचे, अब आपका कोई वेरिएबल ही नहीं रह गया, कोई अननोन रही नहीं है, सब आपके नोन हो गए, सब आपके कॉन्स्टेंट हो गए, सब आपके स्थिरांक हो गए जिसको गुणा भाग करना है और आंसर लाना है। तो यहां 8 लिखा है तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में यह भी बताया था आप इसको क्या कर दो 8/1 एक इट के ऊपर जाएगा और ये वाला टर्म कहां जाएगा यहां जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो बताओ 4 और इंटू कितना हो जाएगा 22 और इंटू कितना हो जाएगा 100 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 और इंटू कितना हो जाएगा 7 और इंटू कितना हो जाएगा 8। अब आप आराम से इसको कट कर दे, अब आप आराम से इसको कट कर दे तो आपका कितना आ जाएगा 11 और इंटू 100 और अपॉन में 3 और इंटू कितना आ गया आपके पास 7। क्या ये बात समझ में सही। चलिए अब अगर हम आपको इसको सॉल्व करके बताएं तो देखिए वैल्यूज बिल्कुल कंफर्म वैल्यूज होती है, कितना निकल के आता है 52.4% निकल करके आता है जो आपको याद रखना है। और कुछ का बुक में 52.5 भी लिखा है बट आप उससे कंफ्यूज ना हो, 52.4 लिखो या 52.5 लिखो मार्क्स आपको मिल जाए। हाँ 52.1 मत लिखने लग जाना, डायरेक्टली 52 वैल्यू राउंड के से मत कर देना, यही कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप जस्ट उसके बाद क्या लिख लें 52.4% डन मल्टीप्लाइड बाई 100 भी है ही सही, तो 100 को हम किसके लिए गुणा कर रहे हैं उसको मतलब प्रतिशत में निकालने के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, सही है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में इन डिटेल बातें हुई वह हमने अभी आपको डायग्रामेटिकली जितना समझाया जा सकता था उस हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट किया। अगेन अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप एक काम कर ले, आप बस जस्ट केवल और केवल जहां से हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बताया है वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें एंड पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा डन। अब ये तो आपका पहला था इसीलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, लेकिन सेम यही काम अपने अगले वीडियो में बीसीसी के लिए की करेंगे और उसके अगले वीडियो में एफसीसी के लिए की करेंगे डन। एंड उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट यूनिट सेल का इनकाउंटर हो जाएगा एंड बच्चों इसके जस्ट पर आप लगभग 50-60% आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा डन। आप अपने एनसीईआरटी को भी देखते चलो, उसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी को भी सॉल्व करेंगे। तो अभी वाले वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है वह निकालना सीखा है पहला। दूसरा क्या रिलेशन होते हैं ए और आर के बीच में, मतलब साइड ऑफ अ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एन एटम के बीच में वह हमने आपको निकालना बताया, दो बातें होगी। तीसरा हमने आपको बताया है कि क्या उस केस में उपसह संयोजन संख्या होता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वी हैव डिस्कस्ड सो फार सो बेटर अबाउट दैट टॉपिक, तीन चीजें हो गई। उसके जस्ट बाद हमने आपको बताया संकुलन क्षमता के बारे में, मतलब पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, और कंप्लीट डेटा कंप्लीट कैलकुलेशन करते हुए हम गए एंड जो हमने पहले के चैप्टर में भी जो सीखा था जो मैथ्स के छोटे मोटे ट्रिक्स थे वो हमने आपको यहाँ पे यूज करके भी बता दिया। और ये जो वैल्यूज है आपका 52.4 वो वैल्यूज आपको याद रखेगा। क्या यहां तक के करीब में कोई दिक्कत नहीं ना, सही है। अगली वीडियो में आपको फिर से इसको रिवाइज करवाते हुए ही बॉडी सेंटर चालू करेंगे ताकि आप यहां तक के करीब में तो समझ ही गए हो, मतलब यहां तक के करीब में तो आप समझ ही गए, उसके आगे की चीजें फिर से जब दोबारा बोलेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इतना आज की वीडियो के लिए काफी है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, होपिंग आप ये वीडियो काफी अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।